तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एमएस टकाटक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एमएस टकाटक एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट हुए हैं। क्या क्या अपडेट हुए हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो क्या क्या अपडेट हुए हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एमएस टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये अपडेट बहुत पहले ही आ गया था गाइस। तो मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन नहीं हो रहा था, तो इसके लिए ये अपडेट मैं आपको नहीं बता पाया। तो आज उस अपडेट के बारे में मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको एक बार सर्च पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो जैसे आपको मौज एप्लीकेशन में हैशटैग दिखाई पड़ता था, आपको हैशटैग मिलता था, आप यहाँ पे भी सेम वैसे ही मौज एप्लीकेशन के जैसा ही हो गया है। मौज एप्लीकेशन ने अपना मौज एप्लीकेशन का फ्यूचर यहाँ एम एस टकाटक एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एम एस टकाटक एप्लीकेशन मौज में मर्ज हो गया है, तो आपको मालूम ही है। इनमें से कोई भी हैशटैग पे अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इस हैशटैग पे क्लिक करके आप यहां से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके आप ये हैशटैग डाल के वीडियो पोस्ट कर सकते हो। और अगर आप एम एस टकाटक एप्लीकेशन में वीडियो पोस्ट करना चाहें तो पहले के तरीके से जैसे आप पहले वीडियो पोस्ट करते थे, आप वैसे ही वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। आप यहां से फ़िल्टर लगा सकते हो। आप फिल्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो आप यहां पे देख सकते हो, तो जितना मौज एप्लीकेशन का फ़िल्टर था अब यहां पे सब फिल्टर्स को एम एस टकाटक एप्लीकेशन में ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। और नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेम फ्यूचर यहाँ पे भी वही ऐड किया गया है जो मौज एप्लीकेशन में ऐड किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी करके आप बात कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे मौज एप्लीकेशन में दिखाई पड़ता था। ओके, तो पहले एम एस टकाटक एप्लीकेशन में वीडियो को अपलोड करते थे जो आपकी गैलरी में वीडियो सेव हो जाता था, तो उस पर कुछ भी लिख के नहीं आता था। लेकिन अब आप जैसे ही एम एस टकाटक एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड करोगे तो आपके वीडियो पे मौज लिख के आ जाएगा। ये भी एम एस टकाटक एप्लीकेशन का न्यू फ्यूचर ऐड हुआ है। आप वीडियो को अपलोड करके एक बार ज़रूर देखिएगा। क्रिएटर सेंटर आप देख सकते हो, आप अपना यहाँ से वॉलेट चेक कर सकते हो और आप अपना यहाँ से सेटिंग भी देख सकते हो। तो मैं आपको वॉलेट चेक करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट में 0 रुपीज़ दिख रहा है, यानी कि 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो आप भी अगर अपना वॉलेट चेक करना चाहते हैं तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आप अगर अपना 7 डेट का डिटेल्स देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने अभी आपको 2 इंटरफेस दिख जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ओवरव्यू दिख जाएगा और आपको यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरव्यू में आपको 7 डेट का आपका डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। 7 डेट में यानी कि 7 दिनों में 38,000 व्यूज़ आए हैं, 2200 लाइक आए हैं, 171 लोग ने मेरे वीडियो को शेयर किया है, कॉमेंट नहीं आया है, 0 है, देख सकते हो आप। और 7 दिनों में केवल 9 फॉलोअर्स बढ़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। टोटल 38,000 लोगों ने मेरे वीडियो को क्लिक किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरव्यू के बारे में आपको बता दिया, तो अब चलिए आपको कंटेंट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको कंटेंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो यहाँ पे दिख जाएगा, जितने भी वीडियो आपने पोस्ट किया है सब वीडियो आपका दिख जाएगा। आप अगर एक एक वीडियो पे चेक करना चाहोगे तो कि मेरे वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं, मेरे वीडियो पे कितने लाइक आए हैं, मेरे वीडियो को कितने लोग शेयर किए हैं, मेरे वीडियो पे कितने कॉमेंट आए हैं और कितने एंगेजमेंट आए हैं वीडियो पे, सब कुछ आप देख सकते हो इस न्यू फ्यूचर से। यानी कि आप कॉन्टेंट पर क्लिक करके आप एक एक वीडियो का पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो कि मेरे वीडियो पे कितने लाइक आए हैं और कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं और कितने व्यूज आए हैं, आपको टोटल दिख जाएगा। तो एम एस टकाटक एप्लीकेशन में जो भी न्यू अपडेट हुए हैं बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।